अर्णब गोस्वामी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अर्णब गोस्वामी को रिहा करो। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ उद्धव ठाकरे, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलम के सिपाही को गिरफ्तार करके फर्जी केस में बड़े से बड़े धाराओं में जेल भेजकर क्या साबित करना चाहते हो? उसको कलम के सिपाही के घर में AK-47 जैसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार लेकर क्या साबित करना चाहते हो उद्धव ठाकरे जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब साधुओं को निर्मम हत्या हुई तो पाल घर में आपकी सिपाही और आपके पुलिस हथियारबंद लोग कहाँ गायब हो गए थे? मतलब जब कलम का सिपाही कोई हो तो उसके ऊपर AK-47 लगा देना, जब कोई साधु महात्मा पूजा पाठ करे तो धर्म पर अंकुश लगा देना। वाह रे उद्धव ठाकरे सरकार, जनता जाग गई है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, बहुत जल्द तुम्हारा पतन होने वाला है। और ऐसे साधु संत महात्मा और पत्रकार और देश में शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के लिए ऊपर अब अत्याचार और अन्याय हिंदू जागरण सभा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ने यहाँ प्रदर्शन किया हम लोग, जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, इसके जो हम लोगों के तरफ से हिंदुत्व के लिए और सत्य के लिए जो सदैव लड़ते थे, अर्णब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया गया। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि तत्काल अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को भंग करके, जो महाराष्ट्र सरकार बारंबार हिंदू विरोधी कार्य कर रही है, उसको तत्काल अपने प्रभाव से निस्तारित कर दिया, हटा दिया जाए और अर्णब गोस्वामी जी को रिहा करा कर दिया जाए। और जो वहाँ के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उनके खिलाफ और CBI जांच हो, यही हम मांग करते हैं। इसीलिए आज हम इस प्रयागराज से इस आंदोलन का शुरुआत करते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष हिमांशु भैया के साथ मिलकर के, यह पूरी टीम हिंदू जागरण सभा के। देखिए, हिंदू जागरण सभा के बैनर तले आज हम लोगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को माना जाता है पत्रकार बंधु अर्णब गोस्वामी जैसे सही और सच बेबाक बोलने वाले पत्रकारों के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घृणित कार्य किया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आज इलाहाबाद प्रयागराज से मोर्चा शुरू कर दिया है। और मैं तत्काल माननीय राष्ट्रपति जी से भी चाहूँगा कि तत्काल महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए और तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर हमारे लोकतंत्र में अगर मीडिया जैसे स्तंभों को अगर इस तरह के षड्यंत्रों में रचा के जेल के पीछे महाराष्ट्र सरकार ने भेजने का कार्य किया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। हिंदू जागरण सभा इसकी घोर निंदा करता है, ये निंदनीय है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही चाहूँगा कि इस पूरे कृत्य को निष्पक्ष जांच करा के त्वरित सही कार्रवाई की जाए।